अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं ट्राई कलर डोसे की रेसिपी, और आज की हमारी रेसिपी वेरी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, वहां पर आपको ऑल ऑप्शन को क्लिक करना है। इससे आपको मेरी हर रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बंच पालक ले लिया है, तो इसको अब हम ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच डोसे का बैटर ले लिया है। हम इसके अंदर ये पालक का पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार कर लिया है इसको ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको आज की हेल्दी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। ये इसमें मैंने पूरा पेस्ट ऐड कर दिया है और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के कैरेट्स ले लिए हैं जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसे हम ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे और फिर इसका भी फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इसमें आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर लें और फिर इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं 3 से 4 बड़े चम्मच डोसे का बैटर ले रही हूँ, और इसके अंदर अब हम ये कैरेट का पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार कर लिया है इसको ऐड करेंगे। तो चलिए इसे ऐड करने के बाद इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करते रहेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑल्सो गाइज, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनकर तैयार हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चलिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, अब हम इसके अंदर ये पालक का बैटर ऐड कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं इसी तरह से हमें इसे भी बनाना है। और आपने कभी इस तरह की रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसी लगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और इसे अच्छे से कुक कर लिया है मैंने। जैसे हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं इसी तरह मैंने कुक कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये कैरेट का बैटर ऐड कर देंगे और इसे भी नॉर्मल डोसे को जैसे हम कुक करते हैं वैसे ही इसे भी कुक करना है। हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा इसे हम प्लेट पर रख देंगे। अब हम पैन पर डोसे का बैटर ऐड करेंगे। आज की रेसिपी बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आने वाली हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा इसको भी मैंने प्लेट पे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो देखा आपने, ट्राई कलर डोसा हमने घर पर बनाकर तैयार किया है और वो भी इतना हेल्दी है, तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप इसे पोटैटो करी एंड पीनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पोटैटो करी की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और पीनट चटनी की रेसिपी हम किसी और दिन बनाएंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, गेस्ट हाउस जब आप इस तरह से बनाकर सर्व कर सकते हैं। फिर चलिए मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग हेल्दी एंड ख़तरनाक वाले रेसिपीज़ के साथ। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना। तो के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।